सफर रेल का हो और शांत हवाई यात्रा जैसी, तो क्या कहिएगा आप? ट्रेन पर चढ़ते ही आपका स्वागत यूं किया जाए मानो आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइट से विदेश की यात्रा पर जा रहे हो, तो क्या कहिएगा आप? अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाए और आपके टिकट के पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस कर दिया जाए, तो क्या कहिएगा आप? लखनऊ से दिल्ली के लिए रफ्तार भर्ती, ये है देश की पहली कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस, जिसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खूबी है इसकी शान और इसमें मौजूद हाईटेक सुविधाएं। इस तेजस में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, मसलन इसके कोच में रिमोट कंट्रोल विंडो हैं, सेंसर वाले दरवाजे हैं, पानी बचाने के लिए हवाई जहाज की तरह वैक्यूम शौचालय हैं, टॉयलेट में टचलेस नल और सोप डिस्पेंसर हैं। इसकी बेहद ही आरामदायक कुर्सियों के साथ पर्सनल एलसीडी वाले स्क्रीन लगे हुए हैं, जिसमें पर्सनलाइज इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंटीरियर किसी विमान की तर्ज पर बेहद ही सुंदर ढंग से किया गया है। इसके कोच इस तरह से डिजाइन है कि आप इसकी मैक्सिमम स्पीड पर भी बिना झटके महसूस किए आरामदायक सफर कर पाएंगे। कोच के भीतर आपको बाहर की आवाज ना के बराबर सुनाई देगी। रेल में डिस्क ब्रेक लगाए गए हैं और कोच को डस्ट प्रूफ बनाया गया है। तेजस में यात्रियों को वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। ये देश की पहली प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन है जिसमें IRCTC के कर्मचारी यात्रियों का सम्मानजनक तरीके से स्वागत करते नजर आएंगे। ट्रेन अगर एक घंटे से ज्यादा लेट होती है तो ₹100 की राशि यात्रियों को वापस की जाएगी, वहीं 2 घंटे से अधिक देरी पर ₹250 वापस मिलेंगे। तेजस दिल्ली से लखनऊ के बीच हफ्ते में 6 दिन दौड़ेगी और लगभग 6.25 घंटे में अपना सफर पूरा कर लेगी। इसका बेस फेयर है ₹1,966। तो तैयार हो जाइए दिल्ली से लखनऊ के बीच शानदार हवाई जहाज के अंदाज वाली यात्रा के लिए।